आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के स्केड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा जो कि 14 नवंबर तक जारी रहेगा। टी20 वर्ल्ड कप को दो मराहिल के अंदर तकसीम किया गया है। सबसे पहले 8 टीमों पर मुश्तमिल एक क्वालिफाइंग राउंड होगा। ये 8 टीमें दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की गई हैं और हर ग्रुप की टॉप 2 टीम सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। सुपर 12 मरहले में 8 टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। सुपर 12 मरहले के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो उसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप 2 के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा 4 टीम्स ने क्वालिफाई राउंड खेल के भी सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई करना है। अगर हम क्वालिफाई राउंड के अंदर मौजूद दो ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए के अंदर श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड और ओमान की टीमें शामिल हैं, जबकि इसी तरह से अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाम्बिया और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल हैं। अब होगा ये कि सुपर 12 मरहले का जो ग्रुप 1 है उसके अंदर 2 टीमों ने आना है और वो 2 टीमें ग्रुप ए की टॉप टीम और ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल पे मौजूद सेकंड टीम होगी। इसी तरह से ग्रुप 2 के अंदर भी 2 टीमों ने आना है, उनमें से एक ग्रुप बी की टेबल पे मौजूद पहली पोजीशन वाली होगी, जबकि ग्रुप ए की सेकंड पोजीशन वाली टीम भी ग्रुप 2 के अंदर ही आएगी। यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ बताते चलें कि वेन्यू के शिफ्ट होने से टी20 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स यूएई के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो इंडिया के पास ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तश्वीशनाक है अभी भी, इसलिए वहाँ पर इवेंट करवाना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद इवेंट को यूएई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। इस मरतबा हमें टी20 वर्ल्ड कप दो ममालिक के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। जो सबसे पहले क्वालिफाई राउंड होगा वो हमें ओमान के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा, इसके बाद सुपर 12 मरहला हमें यूएई के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। देखें, ओमान के अंदर क्वालिफाई राउंड करवाना सरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा ला सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिलती नहीं है और टीम्स को इस बात का आइडिया नहीं है कि कंडीशंस वहाँ पे किस तरह की होंगी और पिचेस किस तरह से बिहेव करेंगी। टी20 वर्ल्ड कप के लिए 4 वेन्यूज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें अबू धाबी का शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, ओमान क्रिकेट अकेडमी और शारजा का तारीखी ग्राउंड शामिल हैं।